हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्लेनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 3rd, द लिटिल गर्ल की समरी, जिसको लिखा है कैथरीन मेंसफील्ड ने। नाउ लेट अस बिगिन विद द समरी। सबसे पहले इस चैप्टर की मैं थीम बता दूं। इसकी थीम ये है कि जब हम अपने चाइल्डहुड में, कई बार क्या होता है, बचपन में हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो हो जाते हैं, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके लिए वो डिफरेंट हो जाता है। तो एज अ चाइल्ड इस चैप्टर में एक लिटिल गर्ल है, क्योंकि जब वो छोटी होती है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स हर पेरेंट्स डिफरेंट होता है, स्पेशली हर फादर। लेकिन जैसे वो थोड़ा बहुत ग्रो होती है, थोड़े बहुत इंसिडेंट्स देखती है, तब उसको पता चलता है कि एक्चुअल में अब तक उसने जो थिंकिंग डेवलप की थी वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जैसा वो सोचती है ऐसा है नहीं। तो उसका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है टुवर्ड्स हर पेरेंट्स। नाउ लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। होता क्या है, इस स्टोरी में एक छोटी सी गर्ल होती है जिसका नाम होता है कीजिया। इसकी फैमिली में इसके फादर, मदर और एक ग्रैंड मदर और थोड़े बहुत केयर टेकर सच एज कुक, इस तरह के लोग होते हैं। अब कीजिया जो है वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। अब ऐसा क्यों है वो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा। लेकिन अब चैप्टर की बिगनिंग ऐसे होती है कि कीजिया अपने बेडरूम में होती है और वहां पर उसके फादर अपने ऑफिस जाने से पहले उसको फोरहेड पर एक किस करके जाते हैं और कहते हैं गुड बाय। अब कीजिया जो है वो भी गुड बाय कहती है, और जब वो अपनी विंडो से देखती है कि इसके उनके फादर की जो व्हीकल होती है वो रोड से दूर दूर और फेंट होती चली जाती है, एकदम से वैनिश हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही उसके फादर चले जाते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। अब क्या होता है, जब उसके फादर शाम को घर आते हैं, तो फिर वो सोफे पे आके बैठ जाते हैं लिविंग रूम में, और अपनी जो ग्रैंड मदर है, मतलब कीजिया की जो ग्रैंड मदर है यानी फादर की जो मदर है, उनको एक न्यूज़पेपर लाने को बोलते हैं, और अपनी जो वाइफ है यानी कीजिया की मदर, उनसे वो एक कप ऑफ टी मांगते हैं। फिर वो कीजिया से पूछते हैं कि आज क्या तुम पूरे दिन एक अच्छी गर्ल की तरह बिहेव किया था क्या तुमने। तो कीजिया कैसे रिप्लाई करती है, आई डोंट नो। तो वो इतना ज्यादा स्टैमर करने लगती है अपने फादर के सामने, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है, तो वो अच्छे से बोल भी नहीं पाती और स्टैमर करने लगती है। तो उसके फादर कहते हैं, अगर तुम इसी तरह से स्टैमर कर करके मुझे रिप्लाई करोगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। फिर क्या होता है, कीजिया जो होती है अपने फादर की इस बात को सुन के कुछ नहीं कहती है, और उसकी मदर कहती है कि आओ अपने फादर के पास और उनके जो बूट्स हैं उन्हें ओपन करो और उन्हें फटाफट से घर के बाहर रख के आओ। फिर कीजिया जो होती है बहुत स्लोली स्लोली चल के ये टास्क कंप्लीट करती है। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि कीजिया के फादर उसको पूछते हैं कि व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ तुम्हें। तो कीजिया क्या रिप्लाई करती है कि कुछ भी नहीं, बट फिर वो उसकी मदर को बोलते हैं कि इस बच्ची को तुम्हें थोड़े से एटिकेट्स या फिर मैनर्स सिखानी चाहिए, क्योंकि इसका फेस जो है, इसके जो एक्सप्रेशन है, ऐसा लगता है कि शी इज अबाउट टू कमिट सुइसाइड, ऐसा लगता है कि वो अभी सुइसाइड कर लेगी, इतनी ज्यादा अनहैप्पी इसका फेस है। फिर उसकी मदर कुछ नहीं कहती है इस बात पे। फिर कीजिया अपने फादर को यह डिस्क्राइब कर रही है कि उसके जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा बिग है, उनके हैंड्स भी बहुत बिग है, उनकी नेक भी बहुत बिग है, और जब वो यॉन करते हैं, जैसे कि स्लीपिंग के टाइम में अपना मुंह ओपन कर लेते हैं ना, लाइकवाइज जब वो यॉन करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उनके फादर एक बहुत ही बड़े जाइंट हैं, इस तरह से उसे अपने फादर लगते हैं। अब क्या होता है, संडे आफ्टरनून उसकी जो कीजिया की ग्रैंड मदर है वो उसको भेज देती है लिविंग रूम में, ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, उनसे कुछ बातें करे। लेकिन जैसे वो यार लिविंग रूम में आती है, वो देखती है उसकी जो मदर है वो तो रीडिंग कर रही होती है न्यूज़पेपर की, जबकि फादर जो होते हैं वो सो रहे होते हैं। फिर वो कुछ नहीं कहती, अपने फादर को स्टेयर करती रहती है। जैसे उसके फादर उठ जाते हैं तो उसके फादर देखते हैं कि कीजिया उन्हें बहुत ध्यान से स्टेयर कर रही थी, यानी कि घूर रही थी, देख रही थी कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम एकदम से एक लिटिल ब्राउन आउल के जैसे लग रही हो, ऐसे क्यों देख रही थी तुम मुझे। अब क्या होता है, इस चीज के बाद कीजिया की ग्रैंड मदर उसे एक आइडिया देती है, उसको बताती है कि तुम्हारे फादर का है बर्थडे आ रहा है, तो तुम उनके बर्थडे के लिए क्या करो, एक कुशन बनाओ। कुशन में तुम अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कुशन खुद अपने हाथ से बनाना और उसको अपने फादर को बर्थडे गिफ्ट पे एज अ प्रेजेंट दे देना। तो कीजिया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो एक कुशन बनाने लगती है। अब लेबरसली बहुत ही मेहनत से वो कुशन को बनाने लगती है, कॉटन का कुशन होता है, और वो क्या करती है, उस कुशन को 3 साइड से सिल देती है। तो कुशन कुछ इस तरह का होता है, उसको वो 1, 2 और 3, इन 3 साइड से तो वो स्टिच कर देती है, लेकिन ऊपर से खोल देती है।
अब वो सोचती है कि इस क्वेश्चन में मैं फिल क्या करूं, ऐसा सोचती है। तो फिर वो ये सोचती है कि पहले तो उसको आइडिया आता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से हेल्प ले ले, उनसे पूछ ले। फिर वो सोचती है कि उनको क्या परेशान करना, सोचती है मदर से पूछूं। फिर वो सोचती है चलो मैं खुद ही देख लेती हूँ। तो घर में घूमते फिरते कुछ ढूंढते ढूंढते वो अपनी मदर के एक रूम में चली जाती है, रूम नंबर 6 होता है वो। वहां पर जो 6 एक बेड टेबल होती है, उस बेड टेबल में उसे कुछ बहुत ही पेपर की शीट्स मिलती है, वो फाइन पेपर होते हैं, अच्छे पेपर होते हैं। तो उन पेपर को ले आती है हैप्पीली और उनको फाड़ करके टोन करके उस क्वेश्चन कवर में भर देती है। तो इतना सारा भरने के बाद क्या होता है, उसी इवनिंग अब शाम को क्या होता है, कीजिया के फादर जो है घर में बहुत ही ज्यादा केओज हो जाते हैं। कीजिया के फादर उन्हीं पेपर्स को ढूंढ रहे होते हैं जो आज कीजिया ने दिन में फाड़ के क्वेश्चन में भर दिए और उसको स्टिच कर दिया। अब घर में बहुत ज्यादा केओज हो जाते हैं, उसकी मदर, फादर, केयर टेकर्स, ग्रैंड मदर सब लोग ढूंढने में लग जाते हैं पेपर्स को, पर वो पेपर नहीं मिलते। और वो पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उन पेपर में कीजिया के फादर की स्पीच थी जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में बोलनी थी। अब वो पेपर नहीं मिलते हैं, फिर क्या होता है, इवनिंग में कीजिया की मदर उसके बेडरूम में आती है और उसको पूछती है कि तुमने कोई इस तरह से पेपर तो नहीं लिए। तो कीजिया बोलती है बहुत ही एक्साइटेडली अपनी मदर को कि हाँ हाँ मैंने वहां से पेपर लिए थे और इस तरह से मैंने उन्हें फाड़ कर कुशन में डाल दिए क्योंकि मैं फादर को उनके बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहती थी। अब उसकी मदर ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाती है और फिर वो बोलती है अभी के अभी नीचे आओ लिविंग रूम में। तो अब कीजिया जो होती है वो लिविंग रूम में जाती है, वहां पर उसके फादर को पता चल जाता है कि कीजिया ने ये सारा किया हुआ है पेपर्स के साथ। तो उसके फादर बहुत ही शाउट करके बोलते हैं उसकी मदर को कि अभी का अभी कीजिया को जाकर सुला दो। फिर जब कीजिया सोने के लिए बेडरूम में जाती है तो उसकी वो रो रही होती है क्योंकि उसके फादर ने उसे बहुत ही तेज से शाउट किया हुआ होता है और उसको पता भी नहीं होता कि मेरी फॉल्ट क्या है। अब उसके फादर थोड़े टाइम बाद उसके बेडरूम में आते हैं और एक रूलर लेकर आते हैं, रूलर मीन्स एक स्केल लेकर आते हैं और उसको बोलते हैं कि जो चीज तुमसे बिलोंग नहीं करती उसको तुम्हें टच नहीं करना चाहिए था। तो अब वो उसको बोलते हैं अपना हैंड आगे करो और उसको फिर वो रूलर से बीट कर देते हैं। अब कीजिया जो होती है वो बहुत तेज रोती है और बहुत ज्यादा अफ्रेड हो जाती है, रोने लगती है और उसके जो हैंड्स हैं छोटे छोटे वो एकदम से पिंक कलर के हो जाते हैं, एकदम रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू रूलर। अब क्या होता है, कीजिया जो होती है बहुत ही ज्यादा अपसेट और वो रोने लगती है। और इस चीज के बाद उसके जो फादर है वो कहते हैं ऐसे रूलर मारने से तुम ये जो लेसन है वो सीख जाओगी लाइफ में और ऐसे दोबारा नहीं करोगी। अब कीजिया जो होती है वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है और वो उनको बोलती है कि जो गॉड है उन्होंने एक्चुअल में फादर्स को बनाया ही क्यों है, क्या वो इसीलिए है कि हमेशा से मुझे ऐसे पाम पर हर्ट करें, रूलर मारें, और क्यों बनाया हुआ है, लाइक कोई भी सोर्स नहीं है हैप्पीनेस का। तो बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर अपनी ग्रैंड मदर से ये बात पूछती है, बट उसकी ग्रैंड मदर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि इसको सुलाकर नेक्स्ट मॉर्निंग कीजिया ये वाली बात भूल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कीजिया अपनी बात बिल्कुल नहीं भूलती, बल्कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपनी विंडो के पास बैठी होती है तो लिटिल गर्ल अपनी विंडो के बाहर देखती है कि मैकडोनल्ड्स होते हैं, मैकडोनल्ड्स उनके नेबर होते हैं जिनमें मिस्टर मैकडोनल्ड मतलब जो फादर हैं उनके 5 चिल्ड्रन हैं। अब वो अपने बच्चों के साथ बहुत ही लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पीली खेल रहे हैं। तो वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, वो ये देखती है कि इसका मतलब सारे फादर सेम नहीं होते हैं, ये मेरे ही फादर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्श हैं, रूड हैं और हमेशा एंग्री रहते हैं, जो जायंट जैसे दिखते हैं। बट देखो मिस्टर मैकडोनल्ड जो इनके जो नेबर के जो फादर हैं कितना हैप्पीली अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कीजिया का जो माइंडसेट होता है टुवर्ड्स फादर्स वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब क्या होता है कि जो कीजिया है उस दिन क्या होता है, अब इसकी जो मदर होती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है ऑल ऑफ सडन, तो वो हॉस्पिटल चली जाती है। तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है वहां पर और उनके साथ उनकी ग्रैंड मदर भी चली जाती है। अब क्या होता है, कीजिया और कुक और उसके फादर ही घर में रह जाते हैं। अब कीजिया अकेले अपने बेडरूम में होती है और वो अपने कुक को बोलती है कि मैं कैसे सोऊंगी, अगर मुझे कोई नाइटमेयर आएगा, मुझे कोई डरावना सपना आएगा तो अभी तो ग्रैंड मदर भी नहीं है, नहीं तो मैं उनके पास जाके सो जाती, फिर तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अब मैं कैसे सोऊंगी। तो अब वो उसकी जो कुक है वो कहती है इतना ज्यादा परेशान मत हो, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। तो वो उसे कन्विंस करके वहां से चली जाती है। अब कीजिया सो जाती है और उसको एक ड्रीम आता है, उसको एक नाइटमेयर आता है। उसमें क्या होता है, एक बच्चर होता है वो नाइफ लेके उसके पास आ रहा होता है और उसकी जो स्माइल होती है बहुत ही ज्यादा क्रैंकी स्माइल होती है, अच्छी स्माइल नहीं होती। अब कीजिया जो है अपने नाइटमेयर में बहुत तेज से शाउट कर रही होती है ग्रैंड मदर इस तरह से, लेकिन आपको उसकी ग्रैंड मदर तो है नहीं घर में, तो कोई भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो बहुत देर स्क्रीम करती है और रोने लगती है और जब उसकी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि उसके फादर जो है वो कैंडल लेके उसके पास खड़े हैं।
अब अपने फादर को देख के कीजिया थोड़ा सा काम डाउन हो जाती है, डरती है अभी भी, लेकिन उसके फादर उसको गोदी में ले लेते हैं और उसको अपने बेडरूम में ले जाते हैं, वहां पे उसको वार्म करते हैं क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत ही ज्यादा ठंडे हो रहे होते हैं, तो उनको वो रब करते हैं बहुत ही सॉफ्टली उसके फीट को, और फिर उसे बहुत ही पीसफुली एक नींद जो होती है उसको आ जाती है कीजिया को। तो अपने फादर की चेस्ट पे वो अपना हेड रख के सोने लगती है और फिर वो स्माइल भी करने लगती है। अब वो यहाँ पर स्माइल क्यों करने लगती है, क्योंकि इस टाइम पे उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल में मैंने अपने फादर के जो इम्पोर्टेंट पेपर थे उनको फाड़ दिया था, जिसकी वजह से फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअल में मेरे फादर मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, इस नीडी टाइम में वो मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबली यहाँ पर सुलाया, और इतना ज्यादा उनका ये जो जेस्चर है इसे देख के कीजिया बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, सेफ और बहुत ही लविंग फील करती है। अब उसे फाइनली इस चीज का रियलाइजेशन हो जाता है कि जितना वो अपने फादर के बारे में सोचती थी कि वो बहुत ही ज्यादा रूड और हार्श है, एक्चुअल में उसके फादर वैसे नहीं है। तो यहाँ पर आके इस नन्ही सी बच्ची का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स हर फादर वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, और फिर वो ये भी कहती है क्योंकि मेरे फादर इतना अपसेट और अनहैप्पी अक्सर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ऑफिस से आते हैं बहुत ही ज्यादा टायर्सम हो जाते हैं, कि वो शाम में मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह हम लोगों के साथ मतलब मेरे साथ खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी फैमिली के लिए इतना सब कुछ करते हैं, डेडिकेट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत टायर्सम हो जाते हैं और फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे साथ प्ले कर पाए, कुछ भी खेल पाए। तो फाइनली कीजिया सब समझ जाती है स्टोरी में, इस तरह से उस बच्ची का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाता है टूवर्ड्स हर फादर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस समरी। लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।